हाँ देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं आप, देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं, कई सीटों पे मुकाबला में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जी आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आपके पास कितनी सीट आ रही है? मैं 8 तारीख को बताऊंगा, मैंने कहा है ना, मैंने कहा पूर्ण बहुमत की आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं जी। इन लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं, देखिए वो भी चुनाव लड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी वोट बैंक है, जजपा का भी है वोट बैंक, परसेंटेज सीटें कितनी उनकी आती हैं वो आप उनसे पूछिए, मुझे तो मालूम नहीं, उनके अपने समीकरण हैं। जो आप एग्जिट पोल है, जितने भी एग्जिट पोल है, सब में भाजपा को नुकसान है, कांग्रेस सरकार बनने की दावे जो है एग्जिट पोल में हो रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है सर इस एग्जिट पोल के बाद कि आपको 56 दिन मिले, ये दिन अगर ज्यादा होते तो एग्जिट पोल विपरीत हो सकते थे क्या? नहीं, अभी विपरीत है, अभी भी विपरीत, आप चिंता मत करिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है, हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूँ, हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। लेकिन अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? अभी बढ़ेगी, अभी तो चालू हुई है, अभी तो बढ़ेगी, अब उसके ऊपर तो उनका इंटरनल विषय है कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं नहीं देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको, 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मेरा विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना, व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास। सर,
व्यवस्था है सारी। नहीं, कोई हमारी तरफ से कमी नहीं रही। हम तो हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मान दिया। हम जितना भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मान दिया, कांग्रेस ने मेरे ख्याल से जब तक कांग्रेस के अंदर आज तक इतना सम्मान नहीं कांग्रेस ने दिया उसको जितना हमने दे दिया। और इतना सम्मान कभी कांग्रेस देगी भी नहीं इसको। और हमने अशोक तंवर को सम्मान दिया। हमारी पार्टी है जिसको अगर हम जिससे वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। ये दोगलेपन की बात नहीं करते। कांग्रेस तो दोगलेपन कर देती है, कई बार कहती कुछ है करती कुछ है, परंतु हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। और ये अशोक तंवर को पूछिए, क्योंकि उसके पैर में चक्कर है और उस व्यक्ति ने एक जगह नहीं वो टिक नहीं सकता। वो शायद यहाँ कितने दिन टिकेगा, ये अशोक तंवर को आप पूछना। आपको ये लगता है कि जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों से आए थे और वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि सत्ता जा रही है, तो आपकी जो पार्टी के कैडर के नेता थे उनको आप ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाए? अंकित जी, सत्ता नहीं जा रही। आप गलत, अंकित जी आप ये शब्द पहले तो वापिस लीजिए। भी सत्ता जा रही है, सत्ता नहीं जा रही। सत्ता नहीं, हम सेवा करने के लिए हरियाणा में आए, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का जितना विकास हमने 10 वर्षों में किया है, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों का इतिहास उसका गणा दीजिए, उतना वो काम नहीं कर पाए जितना हमने 10 वर्षों में किया है। और मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि हम सत्ता में, आप कह रहे हैं कि वो हो रहे हैं, हम सेवा करने के लिए 8 अक्टूबर को फिर आ रहे हैं। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मैं कोई वैसा तो नहीं बोल रहा, मुझे ग्राउंड की रिपोर्ट, मेरे पास जितनी रिपोर्ट है सर रिपोर्ट है, हम सेवा के लिए। हाँ, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री उन्होंने ठीक है सत्ता के अंदर आ है जी, वो उनका अपने आंकलन होते हैं। हमारा नेता है वो, हमारा नेता है वो पार्टी का, उसमें कोई दोराय नहीं है, कह सकता है। हाँ देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं। और 8 तारीख के बाद आपके सामने है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब।